बच्चों में सेरेब्रल पैल्सी क्या है, उसके कारण क्या है, उसके बचाव क्या है। हम सबको पता है कि बच्चों में जो सेरेब्रल पैल्सी होती है उसमें जो कारण होता है वो होता है मस्तिष्क का सही से विकास ना होना, उसके अंदर कुछ ना कुछ डैमेज हो जाना, जिसकी वजह से जो कंट्रोल होता है ब्रेन के द्वारा विभिन्न हमारे अंगों का वो सही नहीं हो पाता, उससे बच्चे सही से बोल नहीं पाते, कभी देख नहीं पाते या सुनना ठीक से नहीं होता, चलना फिरना डिले हो जाता है उनके, उनके जो माइलस्टोन्स हैं सोशल माइलस्टोन्स हैं या जो उनके फिजिकल माइलस्टोन्स हैं वो डिले हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट है वो पूरा तरह से डिले हो जाता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चा 5 साल का है और जो उसके माइलस्टोन्स हैं वो 1 साल के बच्चे से भी कम होते हैं। तो इसके कारण जो है वो ये है कि जो प्रीनेटल कारण मतलब गर्भावस्था के दौरान क्या होता है कि बच्चा अगर आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चा है आपके पेट के अंदर गर्भाशय में है तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, खास करके जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं टॉर्च इन्फेक्शन जिनको बोलते हैं, रूबेला है या टॉक्सोप्लाज्मा है, इस तरह के इन्फेक्शन जब होते हैं तो बच्चों में जो ऑर्गनोजेनेसिस होती है जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है वो अफेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से बच्चे में सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है। नंबर दो, अगर इंट्रायूटराइन ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जब बच्चा पेट में पल रहा है उसके अंदर इंट्रायूटराइन ऑक्सीजन नहीं मिल रही या बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे तो बच्चे का दिमाग डैमेज हो सकता है। नंबर तीन, अगर जेनेटिक कोई म्यूटेशन हो जाए बच्चे में डेवलपमेंट के दौरान तो भी बच्चे में सेरेब्रल पैल्सी की संभावना बढ़ जाती है। नंबर फोर, अगर बच्चा डिलीवरी के समय बच्चे को ऑक्सीजन कमी हो गई है, कोई ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हुई है, कोई डिले लेबर हुई है या बच्चा उल्टा हो गया है, बच्चे को खींच के निकालना पड़ा है, बच्चे को इंस्ट्रूमेंट के द्वारा निकालना पड़ा है और बच्चे को देर से रोया है, बच्चे को सांस नहीं गई है उसकी वजह से, अच्छे से ऑक्सीजन नहीं गई ब्रेन में, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो कोशिकाएं उनके अंदर डैमेज हो सकता है, उसकी वजह से भी सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है। नंबर फोर, अगर बच्चा ठीक से भी पैदा हो गया है और उसके बाद सडनली पैदा होने के बाद उसको कुछ ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस हो गई, सेप्टिसीमिया हो गया, उसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है, उसकी वजह से भी सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है। सेरेब्रल पैल्सी कई तरह की होती है, स्पास्टिक पैल्सी हो सकती है, एटोनिक पैल्सी हो सकती है, मिक्स टाइप की हो सकती है, इस तरह की डिफरेंट पैल्सीज हो सकती हैं। जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है कि जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसका जो माँ को पहचानना होता है वो देर से करेगा, जो सोशल स्माइल है वो डिलेड आएगी, जो बैठना है वो देर से होगा, नेक होल्डिंग है वो देर से आएगी, जो हम बोलते हैं जो फाइन मोटर्स होते हैं जिसमें हम उंगलियों को चाह रहे एक दूसरे पे ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर करते हैं वो डिलेड हो जाएंगे, जो स्पीच है वो डिले होगी, बोलना देर से शुरू करेगा, और कभी कभी इन बच्चों की आँखों में निस्टेगमस हो सकता है, स्क्विंट हो सकता है, बच्चों की हियरिंग लेट हो सकती है, या इन बच्चों में ये भी हो सकता है कि बच्चों को लगातार दौरे पड़ रहे हों, कि बार बार दौरे पड़ते हों, दवाइयों देने पे भी बहुत कंट्रोल नहीं होते, या बच्चों की जो टोन होती है बॉडी की वो बड़ी टोन ही बढ़ जाती है, इसको स्पास्टिसिटी बोलते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों में तो पहली बात यही कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए, प्रिवेंशन यही है कि जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं तो किसी ना किसी डॉक्टर के सुपरविजन में प्रेगनेंसी में अपना ध्यान रखें, जो दवाइयाँ कौन सी नहीं खानी उनका ध्यान रखें, इन्फेक्शन ना हो उसके लिए कौन से वैक्सीन लगवाने हैं, और प्रेगनेंसी में बच्चों में कोई दिक्कत ना है उसके लिए क्या ध्यान रखना है। नंबर फोर, डिलीवरी के समय अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएं कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होना अगर होता है तो तुरंत मैनेज हो सकता हो। नंबर पाँच, अगर बच्चे को डिलीवरी के बाद कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, सुस्त हो रहा है, बुखार है, दौरे पड़ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं या बिल्कुल आई ओपनिंग नहीं है, तो ऐसे कोई सिम्टम आ रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखा के बच्चों को भर्ती करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे अगर हो गए, अगर बच्चा आपका डिलीवरी माइलस्टोन के साथ है, उसको सेरेब्रल पैल्सी डायग्नोस हो गई है, तो फिर आपको एक कंप्रेहेंसिव डॉक्टर्स की टीम के साथ रहना पड़ेगा। इसमें मल्टी जो सेक्टोरियल अप्रोच है वो हम फॉलो करते हैं, कई सारे टीम मेंबर्स होते हैं जिसमें पीडियाट्रिशियन होता है, एक डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन होता है, एक स्पीच थेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, आई का डॉक्टर होगा, ENT का डॉक्टर होगा, तो साइकेट्रिस्ट होगा, सोशल वर्कर होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, ये सारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होंगे, क्योंकि बच्चों में बहुत सारे जॉइंट्स की भी प्रॉब्लम होती है, तो ये टीम मिलकर बच्चों को फॉलो करती है, उनके डेवलपमेंट जो होते हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। और अर्ली स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जितनी जल्दी अर्ली स्टिमुलेशन या थेरेपी स्टार्ट करेंगे, उतने ही बच्चे की रिकवरी करने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप अर्ली स्टिमुलेशन करते हैं, एग्रेसिव ट्रीटमेंट करते हैं, बच्चों को काफ़ी हद तक हम लोग नियर नॉर्मल लाइफ प्रदान कर सकते हैं।